सुपेटा जिले के 44 नंबर जनिया विधानसभा समष्टि के अंतर्गत छापरा गांव के 10वीं बटालियन के वीर जवान सोहिल राणा की विगत 2010 वर्ष के 29 जून को छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी की गोली चालना में मौत हो गई थी। उक्त शहीद वीर जवान के नाम पर आज जनिया तीनाली चक से कादम तक जाने वाली लोक निर्माण पथ को शहीद राणा नाम से नामांकन किया गया। उल्लेखनीय है कि आयोजित की गई सभा में 10वीं बटालियन सीओ प्रदीप सिंह गारवेल, बरपेटा जिला उपायुक्त तेज प्रसाद भूचाल, जनिया विधानसभा समष्टि के विधायक डॉक्टर हाफिज रफीकुल इस्लाम, जनिया हाई स्कूल के प्रधान शिक्षक सुलाइमान चौधरी, बरपेटा पुलिस अधीक्षक अमिताभ सिन्हा उपस्थित होकर वीर जवान को श्रद्धापूर्ण से आत्मा की शांति की कामना की। बरपेटा से प्रदीप सरकार की रिपोर्ट, असम लाइव 365। श्रद्धांजलि आज दी गई है, देर हुई है लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि आज ही हमने दी है उनको। सोहिल राणा इस समारोह में एमएलए साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, उनकी अम्मी, सभी लोग इसमें मौजूद रहे। हालांकि बरसात हुई है लेकिन फिर भी अपने बिजी शेड्यूल के कारण होने के बावजूद वो इसमें शिरकत की है। ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी जोनिया का बेटा, ये सीआरपीएफ पे था, वो शहीद हुआ 2010 में। एक जवान, उनकी माँ है, ये मताश्री यहाँ है, तो उनके शहीद के नाम पे जोनिया चौक को आज वो डिक्लेयर किया गया है। यहाँ 10th बीएन बटालियन के कमांडेंट साहब भी है, एसपी साहब, डीसी साहब, ये लोग आए हुए हैं और उनकी माँ है, हम लोग आके कि उनको हम लोगों ने याद किया, श्रद्धांजलि किया। सैल्यूट उन जवानों पे हैं जिन लोगों ने देश के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क के हिफाजत के लिए सरहद पे दिन रात एक करके वो हमारे लिए काम कर रहे हैं और वहाँ जान भी दे रहे हैं। उनको हम सैल्यूट करते हैं।